हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मिनी ड्रोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, कैसा है ये ड्रोन और बॉक्स के अंदर आपको इस ड्रोन के साथ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ये सब जानने के लिए अभी करें इस वीडियो को लाइक। थैंक यू फ्रेंड्स लाइक करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये ड्रोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब भी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये है हमारे ड्रोन का रिमोट कंट्रोल, जिसकी लेफ्ट जॉयस्टिक जो है इसको अप और डाउन करने का काम करती है, और राइट जॉयस्टिक करती है लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का काम। ये है इसके ट्रिम बटन्स, ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। ऊपर की तरफ मिलता है आपको 360 रोल ओवर के लिए बटन और ये स्पीड कंट्रोल के लिए बटन। और फ्रेंड्स, पीछे आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी होंगी 3AA बैटरीज, तो चलिए जल्दी से उन्हें भी इंसर्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जिससे कि इस ड्रोन की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीधा बात करते हैं अपने ड्रोन के बारे में। फ्रेंड्स, ये है एक्स ड्रोन नैनो 2.0। इधर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच और चार्जिंग पॉइंट। जैसे ही मैं ऑन ऑफ स्विच को ऑन करता हूँ, तो फ्रंट में रेड और बैक में ग्रीन कलर की LED इसके अंदर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। और फ्रेंड्स, बात करें उसकी क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी जो है इस ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और उसके साथ साथ ये साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मेड इन चाइना ये ड्रोन है, इसलिए इसकी लाइफ जो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ये ड्रोन चलने वाला है। सारी बॉडी जो है इसकी वो स्क्रू टाइट है, और इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इधर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, और इसके अंदर जो बैटरी है वो ऑलरेडी सेट रहती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ प्रोपेलर के बारे में। प्रोपेलर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, और हर एक प्रोपेलर पे आपको प्रोपेलर गार्ड देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बराबरी करते हुए करते हैं इसका फ्लाइंग टेस्ट, और देखते हैं कि ये ड्रोन कैसा फ्लाई करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख चुके हैं, और अब आप देख रहे हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ड्रोन जो है आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है पुट अप हुआ होगा कि जब ये ड्रोन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, तो मैं इसे आउटडोर फ्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो घटिया किस्म की कनेक्टिविटी है। इसे मैं आउटडोर लेकर गया था फ्लाइंग के लिए, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा कि ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, फिर मैं इसको इंडोर लेके आया। लेकिन अब आप देख सकते हैं इंडोर में ये अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से फ्लाई नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल घटिया किस्म की कनेक्टिविटी इसके अंदर यूज की गई है। नाम के लिए ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बताई गई है। सो फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसको ना ही ले तो बेहतर होगा।
और यदि आप इसको फ्री विल लेना चाहते हैं तो बाय लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर परचेज कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस ड्रोन के साथ मैं एक और ड्रोन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, जो कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा नहीं बल्कि इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और आप उसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में बिल्कुल नए टॉय के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।